हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं अभी कि हमारी दिव्यांग पेंशन नहीं आई है, यानी जनवरी फरवरी मार्च की जो पेंशन थी दिव्यांगों की अभी तक भी नहीं आई है, और अप्रैल मई जून की पेंशन कब आएगी और कितने रुपये महीने के हिसाब से आएगी। तो दोस्तों देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिन लोगों की पेंशन नहीं आई है यूपी में। यूपी में जो पेंशन भेजी जा रही है 1000 रुपये महीने के हिसाब से भेजी जा रही है। देखिए किन लोगों की पेंशन नहीं आई है। नंबर एक पे उन लोगों की पेंशन नहीं आई है इनका पेंशन में और आधार कार्ड में और बैंक अकाउंट में नाम में मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, सभी जो है डॉक्यूमेंट सेम होने चाहिए। और नंबर दो पे जो है पेंशन में KYC कम्प्लीट होनी चाहिए और बैंक में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और बैंक में NPCI लिंक होनी चाहिए। और कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिनके खाते काफ़ी दिन हो गए हैं और उनका जब बैलेंस निकल जाता है तो एवरेज बैलेंस जो होता है वो उनके अकाउंट में नहीं होता है, और एवरेज बैलेंस ना होने के कारण उनका जो है अकाउंट माइनस में पहुँच जाता है। तो इस कारण भी आपका जो है अकाउंट डिलीट हो सकता है, और जो बैंक अकाउंट मर्ज हुए हैं आपस में, बैंक मर्ज हुए हैं तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। IFSC कोड चेंज हो गए हैं, जब IFSC कोड चेंज हुए हैं तो बैंक का जो पैसा भेजा जाता है उसमें कई सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे नाम सही हो, बैंक अकाउंट नंबर सही हो, IFSC कोड सही हो और NPCI लिंक हो, और आधार कार्ड उसमें लिंक होना चाहिए, और मोबाइल नंबर जो होता है मोबाइल नंबर आधार कार्ड में भी लिंक होना चाहिए, बैंक अकाउंट में भी लिंक होना चाहिए और पेंशन में भी लिंक होना चाहिए। क्योंकि अब हर साल जो है बैंक में भी KYC शुरू हो गई है, हर साल बैंक में भी KYC होनी है और हर साल जो है पेंशन में भी KYC होनी है, तभी आपकी पेंशन रेगुलर आएगी। और जिन लोगों की पेंशन नहीं आई है अभी तक भी, कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी पेंशन बनी हुई है पुरानी, उनके में UDID कार्ड लिंक नहीं है पेंशन में, तो वो अपना UDID कार्ड पेंशन में लिंक करा दे तो आपकी जो रुकी हुई किस्त है वो भी आ जाएगी, जो आने वाली किस्त वो भी आ जाएगी। देखिए जिन लोगों की पेंशन नहीं आ रही है, पेंशन रुक गई है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है तभी तो पेंशन नहीं आ रही है। एक बार दिव्यांगजन ऑफिस में जाकर अपनी पेंशन सही तरीके से चेक कराइए। आपका हो सकता है अकाउंट नंबर गलत पड़ा हुआ है, हो सकता है आपका IFSC कोड गलत पड़ा हुआ हो सकता है आपका आधार नंबर गलत पड़ा हुआ हो, अकाउंट नंबर में मिसमैच हो रहा हो, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक है जिस कारण आपकी पेंशन नहीं आ रही है। जब आप दिव्यांगजन ऑफिस में जाइए तो आप अपना मोबाइल भी लेकर जाइए, अपना आधार कार्ड भी लेकर जाइए, अपनी बैंक किताब भी लेकर जाइए और सही से नाम मिलान करिए, डेट ऑफ बर्थ मिलान करिए कि हमारे कोई मिसमैच तो नहीं हो रहा है। अगर मिसमैच हो रहा है तो आपको उसको सही कराना है, और जो आपकी रुकी हुई पेंशन है वो भी आ जाएगी, जो आने वाली पेंशन है वो भी आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं अप्रैल मई जून की जो पेंशन आएगी वो कब आएगी। देखिए सरकार ने जो वादा किया है कि दिव्यांग की पेंशन जो है 1500 रुपये महीने के हिसाब से भेजी जाएगी, यानी 500 रुपये की बढ़ोतरी होकर 1500 रुपये भेजी जाएगी, पर अभी तक जो पेंशन भेजी गई है वो 1000 रुपये महीने के हिसाब से भेजी गई है, और अभी तक कोई ऐसी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है पक्की कि दिव्यांग की पेंशन जो भेजी जाएगी वो 1500 रुपये महीने के हिसाब से भेजी जाएगी, ऐसी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। और पेंशन जो भेजी जाएगी उनकी 15 तारीख से जो है पेंशन का पैसा धीरे धीरे डलना शुरू हो जाएगा, पेंशन जो है हर महीने भेजी जानी चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।